नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किमियाई प्रतीकों में एक शक्ति होती है जिसके बारे में केवल वही लोग समझते हैं जिन्हें किमिया के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। आपके समक्ष कुछ प्रतीक मौजूद हैं जो आपको रहस्यमय भी लग सकते हैं और सामान्य भी। वास्तव में ये प्रतीक आपके लिए अपने बारे में एक गहरे परिप्रेक्ष्य को समझने का संकेत दे रहे हैं जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आप अपने लिए इस तस्वीर में से किसी एक प्रतीक का चुनाव करते हैं, यह बात आपको बहुत हद तक प्रभावित करने वाली हो सकती है। इन प्रतीकों से आपको एक ऐसा संदेश मिल रहा है जो शायद आपकी आत्मा की आवाज माना जा सकता है, तो चुने अपने लिए एक प्रतीक। पहला प्रतीक, यदि आपने शेर को चुना है तो संभवतः आपको उस चीज से बचना होगा जिसे आपने इतने प्रयास से बनाया है। शेर शक्ति के परम स्रोत सूर्य का प्रतीक है। यह प्रभुत्व को दर्शाता है। आप जिस जीवन को जी रहे हैं उसे बनाने के लिए आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, लेकिन अब आप अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। वे जिम्मेदारियां आपके ऊपर हावी भी हो रही हैं। आपने जो बनाया है उसके साथ अपने संबंध मधुर रखने की कोशिश करें। आप चाहे तो उससे मुक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य हमेशा आपके हाथ में है। दूसरा प्रतीक, प्रेत की घड़ी का चुनाव। यदि आपने दूसरे प्रतीक का चुनाव किया है तो आप शायद खुद को समय में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अतीत में किसी दुखद या दर्दनाक अनुभव के कारण समय आपके लिए रुक गया है, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप धीरे धीरे डूब रहे हैं। आपके भीतर की ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आपको यही सलाह दी जाती है कि अभी से सर्वोत्तम निर्णय लेने का प्रयास करें। वर्तमान में जिए, आप सर्वशक्तिमान हैं और समय आपका मित्र है। तीसरा प्रतीक, चंद्रमा। यदि आपने चंद्रमा को चुना है तो आपका हृदय एक युद्ध क्षेत्र है। आपके अंदर कोई बेहद शक्तिशाली विचार है जो आपको सोने नहीं देता, आपको हमेशा जगा कर रखता है। आपको उस विचार, उस भावना को समझना होगा जो आपको पूरी रात जगाए रखती है। क्या यह क्रोध, नफरत, गुस्सा या सिर्फ जुनून है? आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आना चाहिए। इन्हें छुपाने या दबाने से केवल आपको ही नुकसान होता है। चौथा प्रतीक, चाबी। यदि आपने चाबी चुनी है तो आपकी आत्मा को जवाबों की सख्त आवश्यकता है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसने आपके जीवन की हर चीज पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। वो चीजें जिन पर कभी आपको बहुत गहरा विश्वास था, हो सकता है किसी चीज को खोजते हुए आप थक गए हैं। एक बिंदु पर आकर आपको लगता है कि अभी किसी भी चीज में आपकी रुचि नहीं है। आपको बोरियत भी महसूस हो सकती है। आपको किसी यात्रा पर निकल जाना चाहिए। यह आपको अन्य लोगों से मिलने और संवाद करने में मदद करेगा। साहसिक कार्यों के लिए अपनी इच्छा शक्ति को पुनः जागृत करें। पांचवा प्रतीक, हमसा हैंड। हमसा हैंड बुरी शक्तियों से सुरक्षा की बात कहता है। यदि आपने हमसा हाथ का चुनाव किया है तो संभवतः आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया है या कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम कर रहा है। आपकी आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है। आपने पहले भी अपने जीवन में कुछ अजीब संकेत देखे होंगे जो आपको इस स्थिति के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिव फील करवाते हैं। आराम करने और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए समय निकालें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके द्वारा चुना गया प्रतीक आपके बारे में सही कहता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।